ऐसा मंदिर जहाँ पर हर समय चिताएं जलती हैं, जहाँ पर एक तरफ तो आरती की अग्नि जलती है और दूसरी तरफ चिताओं की अग्नि जलती है। वहाँ की रखवाली ना सिर्फ वहाँ के पुजारी करते हैं बल्कि अघोरी भी करते हैं। ये कोई कहानी नहीं है बल्कि ये सच्चाई है नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर की, जो कि काठमांडू में है। और जब मैं वहाँ पर खुद गया तो मैं दंग रह गया। जब आप इस मंदिर में प्रवेश करेंगे तो आपको दूर से ही बड़ी बड़ी चिताओं की लपटें दिखाई देंगी, क्योंकि कहते हैं कि इस मंदिर में चिताएं हमेशा जलती रहती है, क्योंकि काठमांडू और उसके आसपास के सभी इलाकों की चिताएं यहीं पर आती हैं। बहुत शिकायत होती है ना हम सबको अपनी जिंदगी से, लेकिन अगर आप एक बार ऐसी जगह पर जाओगे तो आपकी सारी शिकायतें दूर हो जाएगी। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार एक तरफ लोगों को आरती गाते हुए और दूसरी तरफ उसके सामने चिताओं को जलते और उसके सामने लोगों को रोते हुए भी देखा है। वैसे तो इस मंदिर को दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा महादेव का मंदिर माना जाता है, लेकिन यहाँ पर महादेव के साथ अघोरियों की भी पूजा होती है। वैसे कमाल है ना, क्योंकि इंसान अपनी पूरी जिंदगी बहुत से झूठ बोलता है और बुरे काम करता है, जबकि उसे पता है कि उसका अंत भी एक दिन ऐसा ही होगा। शायद इसीलिए कहते हैं कि कर्म अच्छे करो, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कल का सूरज कौन देखेगा और कौन नहीं। घरै घर बीचको त्यो शहरमा कतै तिमी पो हरायो कि ठुला ठुला सपना बोकी जिन्दगीसँग रम्न पो डरायो कि पत्ता भनेको त अघि साँच्ची एकछिन पछि त पुतली रहेछ।
सबसे ना मिला करो इतनी सादगी के साथ, ये दौर अलग है, ये लोग अलग हैं। तो ये दुनिया वो नहीं है जो आप देखते हो जी। अगर आप इस दौर में, इस दुनिया में वफा ढूंढ रहे हो तो बड़े नादान हो, क्योंकि आप जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे। मेरो गीत मेरे प्रतिबिंब हुई ना, जो फूट जाने हुए हिमाल देखाउन लै जानु है, मेरो केशमा गुराँस सिउरिनु है, केही बेर जीवन त मलाई नि बाँच्नु छ, मेलामा घुम्नु छ, झलमल्ल परेका बत्तीहरूमा तिमीलाई हेर्नु छ। कुछ पैसे बचा के घुम्ने निकल जाया करो, वरना बुढ़ापे में घुटनों के दर्द के साथ घूमोगे क्या? दोस्त बहाने बनाने दो, अकेले निकल जाया करो, बस यही कुछ साल हैं जिंदगी जीने के, बहाने जिंदगी में हमेशा रहे, ये पल कभी लौट के नहीं है। म चाहिँ कहिले पनि ठुलो सपना नदेख्ने मान्छे हगि, मेरो कसैले मलाई सोध्यो भने तेरो सपना के हो भन्यो भने म कन्फ्युज हुन्छु, के हो के हो के हो के हो मलाई थाहा छैन। म के भन्छु भन्दा यसै गरी बाँच्न पाइयोस्, मैले रहर गरेको, मैले सोचेको कुरो गर्न पाइयोस्। आया था इन वादियों में मुसाफिर बन के, मेरी रूह इन पहाड़ों को अपना घर मान बैठी। इन वादियों में टकरा चुके हमसे मुसाफिर। रात को
छायो की के भूल भा